हेलो बच्चों, माय सेल्फ सभ्यता भार्गव एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मास्टरमाइंड स्कूल। आज हम लोग हमारा चैप्टर 2 अडेप्टेशन इन प्लांट्स शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किसे कहते हैं, हम एक्वाटिक प्लांट्स किसे कहते हैं और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। हम इन तीन चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। क्या आपने देखा है जो प्लांट्स होते हैं क्या वो सभी एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सारे प्लांट एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो ज़मीन पे उगते हैं, कुछ प्लांट जो होते हैं वो पानी में रहते हैं, कुछ प्लांट दलदली इलाके में रहते हैं। तो सारे प्लांट अलग अलग प्रकार के होते हैं। आज इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने जाएंगे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अलग अलग एनवायरमेंट में क्यों रहते हैं। प्लांट्स लिव एंड ग्रो इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। सारे प्लांट्स अलग अलग सराउंडिंग्स में ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। कुछ प्लांट्स होते हैं वे ज़मीन पर रहते हैं। सम इन वाटर एंड सम इन डेजर्ट। कुछ प्लांट वाटर में पाए जाते हैं और कुछ प्लांट जो होते हैं वो रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। ऑल दीज प्लेसेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव आर कॉल्ड हैबिटेट्स। हम हैबिटेट्स किसे बोलते हैं? हैबिटेट्स हम उसे बोलते हैं जिस एनवायरनमेंट में प्लांट्स पाए जाते हैं, जिस एनवायरनमेंट्स में ऑर्गेनिज्म लिव करते हैं, हम उसे उसकी हैबिटेट बोलते हैं। डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। जो अलग अलग प्लेसेस हैं सबकी अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं। जैसे कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पे थोड़ी गर्मी पड़ती है, थोड़ी सर्दी पड़ती है। जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। और जो हमारा राजस्थान है वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है। तो सारी जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन एक नहीं होती है। सबकी क्लाइमेटिक कंडीशन, सबका जो एनवायरमेंट है वो अलग अलग होता है। टू कोप विथ सच कंडीशंस प्लांट्स मेक सर्टेन चेंजेस इन themselves. दीज चेंजेस आर कॉल्ड adaptations. इन क्लाइमेटिक कंडीशन को अपने जीवन में लाने के लिए प्लांट्स जो होते हैं कुछ चेंजेस करते हैं अपने अंदर, कुछ चेंजेस करते हैं ताकि वो इस एनवायरमेंट में रह पाएँ। और इसे हम बोलते हैं adaptation. दिस adaptation help them to live comfortably and safely in adverse condition. ये जो वो adaptation करते हैं, ये वो changes अपनी ज़िंदगी में लाते हैं इस environment में रहने के लिए, वो उन्हें help करती है ताकि वो अच्छे से रह पाएँ, कितनी भी भले ही कितनी भी बुरी condition क्यों ना हो। Depending on their habitats, plant can be classified as. अब जैसे हमने देखा कि habitat जो हैं वो प्लांट्स की अलग अलग होती हैं, तो इससे हम प्लांट्स को दो प्रकार में बांट सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हम किन्हीं बोलते हैं? प्लांट्स डेट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो होते हैं जो कि ज़मीन पर उगते हैं। ज़मीन पर उगने वाले प्लांट को हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। जैसे कि इमली का पेड़ हो गया, जो आम है उसका पेड़ हो गया, ये सब ज़मीन पर उगते हैं ना, इसलिए हम इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोलते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स हम किन्हें बोलते हैं? एक्वेटिक यानी जो पानी में होते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं। दिस इंक्लूड्स ग्रासेस, शर्ब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज। ये जो टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है? जो ग्रासेस हैं, छोटी छोटी ग्रासेस, श्रब्स, झाड़ियाँ हो गई, जड़ी बूटी हो गई और बड़े बड़े ट्रीज, ये सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। अब बच्चों, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं उसमें भी जो अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, वो भी अलग अलग जगह में पाए जाते हैं। जैसे कि कुछ जो हैं वो मैदानों में पाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो डेजर्ट में, रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं,
कुछ जो होते हैं जो दलदली इलाकों में पाए जाते हैं, इसलिए हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को भी आगे देखेंगे कि किन किन जगहों पर पाए जाते हैं। पहला होता है प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स यानी मैदानी जगह, प्लांट्स ऑफ प्लेन्स। जो प्लेन्स होते हैं, जो मैदान होते हैं, उनका क्लाइमेट मॉडरेट होता है, यानी ना ज़्यादा सर्दी पड़ना ना ज़्यादा गर्मी पड़ना, और वहाँ पे अच्छी खासी रेनफॉल होती है, अच्छी खासी बारिश होती है। इसलिए ट्रीज ग्रोइंग इन सम ऑफ दीज एरियाज और प्लांट्स हैव लॉट ऑफ ब्रांचेस। इसलिए जो यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट में से जो प्लांट ऑफ प्लेन्स हैं, जो मैदानी पौधे हैं, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी जड़ें, वो तनाएँ होते हैं। When it is hot, stomata of these trees help in the evaporation of water from its surface, keeping the trees cool. जो प्लेन्स में जो पौधे पाए जाते हैं, प्लेन्स में जो प्लांट पाए जाते हैं, जब हॉट होता है, जब गर्मियाँ पड़ती हैं, तो ये जो ट्रीज़ की जो पत्तियाँ होती हैं जिनमें हम स्टोमेटा पाया जाता है, उनमें एवोप्रेशन ऑफ वाटर होता है, मतलब वाटर का एवोप्रेशन होता है, वाटर जो है वो भाप बन जाता है, ताकि ये ट्रीज़ अपने आप को कूल, अपने आप को ठंडा रख सकें। और जैसे ही स्प्रिंग आता है तो न्यू लीव्स आना शुरू हो जाती हैं। ऐसे प्लांट्स को, ऐसे ट्रीज़ को हम डेसीडुअस ट्रीज़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसीडुअस ट्रीज़। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? इनके एग्जांपल्स हैं मैंगो, पीपल। मैंगो आपने देखा ही होगा। हमारा जो क्लाइमेट है वो काफ़ी मॉडरेट है, मतलब हमारे इधर ना ज़्यादा ठंडी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और अच्छी खासी रेनफॉल भी होती है, इसलिए मैंगो जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पीपल भी आपने देखा होगा, इसे भी हम प्लांट्स ऑफ प्लेन्स बोलते हैं, यानी मैदानी पौधे, मैदानी झाड़। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा? हम लोगों ने अभी प्लांट्स ऑफ प्लेन्स के बारे में पढ़ा, मैदानी पौधे या मैदानी झाड़। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स ऑफ डेजर्ट के बारे में। जैसे कि मैदान पे पौधे उगते हैं, मैदान पे झाड़ उगते हैं, वैसे ही डेजर्ट में, रेगिस्तानी इलाकों में भी पौधे होते हैं। जैसे कि कैक्टस हो गया, कैक्टस के बारे में सभी ने सुना। ये देखो, यहाँ पे फ़ोटो भी बनी है कैक्टस की। कैक्टस जो है वो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इन सच प्लांट्स स्टेम इज़ स्टंटेड, वुडी, ड्राई एंड हार्ड। जो ये प्लांट्स हैं जो कि डेजर्ट में पाए जाते हैं, इनका जो तना होता है वो बहुत ही छोटी सी हाइट का होता है और बहुत ही हार्ड होता है। लीव्स आर रिड्यूस्ड इन साइज और एब्सेंट। इनकी जो लीव्स होती हैं, इनकी जो पत्तियां होती हैं, वो साइज़ में बहुत कम हो जाती हैं या फिर होती ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डेजर्ट का इलाका है वो बहुत ही गर्म इलाका है। गर्म इलाका है तो पानी जो है, जो प्लांट के अंदर पानी है, उसका एवोपरेट होना यानी उसका भाप बनना बहुत ईजिली पॉसिबल है। जैसे आप गर्म करने रखते हो दूध को, वो कितने जल्दी से भाप बन जाता है, पर ठंडा दूध इतने जल्दी से भाप नहीं बनेगा। आप किसी भी गर्म पानी को, छोटे से आप कप में पानी लेना और उसे गर्म करने रखना, अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो जल्दी से भाप बन जाएगा। ऐसे ही जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनके अंदर के पानी भाप ना बन जाए, उनके अंदर पानी की कमी ना आ जाए, इसलिए वो जो अपने लीव्स हैं उनको छोटा कर लेते हैं या फिर उनमें लीव्स होती ही नहीं है। एग्जांपल्स आप लोग देखो, ओपेंटिया, प्रिकली पियर या कैक्टस। कैक्टस सभी ने देखा है, कैक्टस के बारे में सभी ने सुना होगा। ओपेंटिया, प्रिकली पियर या कैक्टस, ये तीन जो हैं ये होते हैं प्लांट्स ऑफ डेजर्ट, जो कि रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। इनकी जो लीव्स हैं, इनकी जो पत्तियां हैं, वह छोटी हो जाती हैं। क्यों? ताकि ये ज़्यादा पानी एवोपरेट ना कर पाए और इनके अंदर पानी की कमी ना आए, इसलिए। अब हम लोग जानेंगे कि प्लांट्स ऑफ मार्शी एरियाज किन्हें कहते हैं। प्लांट्स जो कि दलदली इलाकों में होते हैं, उन्हें हम प्लांट्स ऑफ मार्शी एरियाज बोलते हैं। एरियाज विच हैज़ लॉट्स ऑफ वाटर एंड द सॉइल इज स्टिकी और क्लेई।
जहाँ का जो सॉइल है वो बहुत ही चिपचिपा होता है, क्ले टाइप होता है, क्ले मटेरियल होता है उसका, उसे हम मार्शी एरिया बोलते हैं, दलदली इलाका। द ट्रीज डैट ग्रो हेयर आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। जो ट्री यहाँ पे ग्रो करते हैं उन्हें हम मैंग्रोव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंग्रोव्स। एक वर्ड दिया गया है मैंग्रोव्स। जो ट्री मार्शी एरिया में, जो ट्री दलदली इलाकों में पाए जाते हैं उन्हें हम मैंग्रोव्स बोलते हैं। अब जो प्लांट जो हैं वो दलदली इलाकों में पाए जाते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी नीचे होती हैं, जैसे कि वाटर में होती हैं। आपने जैसे हमारे इधर जो प्लेन्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आम का पेड़ हो गया, उसकी जड़ें पूरी सॉइल के अंदर कवर होती हैं, पूरी मिट्टी के अंदर कवर होती हैं। लेकिन जो प्लांट मार्शी एरिया में पाए जाते हैं, अगर उसकी पूरी जड़ें पानी में होंगी तो वो सांस नहीं ले पाएंगे, कैसे ब्रीथ कर पाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इनकी जो जड़ें होती हैं, कुछ जड़ें पानी के ऊपर भी होती हैं। ये देखिए राइजोपोरिया वाले डायग्राम में कि कुछ जड़ें जो हैं वो पानी के ऊपर भी हैं। ये जो मैंने ब्लैक ब्लैक मार्क किया है, कुछ जड़ें जो हैं वो पानी के ऊपर भी हैं। पानी के ऊपर हैं इसलिए सांस ले पाते हैं। और इन जड़ों को हम एरियल रूट्स, हवाई जड़ें बोलते हैं। क्या? एरियल रूट्स, जो कि सॉइल के पानी के ऊपर होती हैं। द सुंदरवंस नियर बे ऑफ बंगाल इज अ मार्शी एरिया। जो सुंदरवन है बे ऑफ बंगाल के पास में, वो एक मार्शी एरिया है। राइजोपोरा इज अ प्लांट दैट ग्रोज इन दिस एरिया। और राइजोपोरा एक तरीके का प्लांट है जो कि ये मार्शी एरिया में पाया जाता है। राइजोपोरा, ये देख यहाँ पे इसकी पिक्चर बनी हुई है राइजोपोरा की, ये एक प्लांट है जो कि मार्शी एरिया में पाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स ऑफ हिली एरियाज़। जो हिल्स में बड़े बड़े माउंटेन्स हिल्स में जो प्लांट्स पाए जाते हैं, हम लोग अब उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्लांट्स हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर, ठंडी जगह पे ये पाए जाते हैं। इनका जो क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है और ड्राई होता है, जैसे कि हिल्स का होता है। इनकी जो लीव्स हैं वो ज़्यादा वाटर लॉस नहीं करती हैं, क्योंकि इनमें ज़्यादा स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे छेद जो कि लीव्स में पाए जाते हैं। तो बहुत कम स्टोमेटा होने के कारण इनकी लीव्स ज़्यादा वाटर लॉस नहीं करती हैं। इनका शेप कैसा होता है? इनका शेप नीडल लाइक, जो सुई आपने देखी होगी, सुई कैसी पैनी होती है, तो इनका शेप भी हो जाए वो नीडल लाइक होता है, सुई जैसा शेप होता है, ताकि ये बर्फ़ से कट सकें, क्योंकि जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे तो काफ़ी बर्फ़ होती है, तो बर्फ़ से अपने आप को निकाल सकें, इसलिए इनका सुई जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो प्लांट होते हैं इन्हें हम कॉनीफर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनीफर्स। क्योंकि ये जो ट्रीज होते हैं इनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, जैसे कि हमारे इधर जो ट्रीज हैं उनमें फ्लावर्स होते हैं, पर ये जो ट्रीज हैं जो हिली एरियाज में पाए जाते हैं उनमें फ्लावर्स नहीं होते हैं, उनमें कोन्स होते हैं। क्या होते हैं? कोन्स। कोन्स एक हार्ड फ्रूट होता है, जैसे कि ऐसा फ्रूट मैं बना दूं, ये बहुत ही मजबूत होता है, इन्हें हम कोन्स बोलते हैं, इसलिए हम इन्हें कॉनिफर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, ये है फेयर, डियोडर और पाइन। इन तीनों में आप देख रहे हो, तीनों में कहीं भी फ्लावर्स नहीं हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं? कोन्स पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें कॉनिफर्स बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने पहले पढ़ा कि हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स किसे बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एक्वाटिक प्लांट्स हम किन्हें बोलते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर पाए जाते हैं। पानी के अंदर पाए जाने प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ जो होते हैं वो वाटर के सरफेस पर तैरते रहते हैं, कुछ जो होते हैं वो पूरे वाटर के अंदर होते हैं। दो टाइप के होते हैं, कुछ जो होते हैं वो वाटर की सरफेस पर तैरते रहते हैं, और कुछ प्लांट होते हैं वो पूरे वाटर के अंदर रहते हैं। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे।
पहला क्या है? समर्स्ड प्लांट। समर्स्ड प्लांट यानी वो प्लांट जो कि पूरी तरीके से वाटर के अंदर पाए जाते हैं। कैसे? वो प्लांट जो कि पूरी तरीके से वाटर के अंदर पाए जाते हैं। सम प्लांट्स ग्रो कम्प्लीटली अंडर वाटर, दे आर कॉल्ड अंडर वाटर प्लांट्स और समर्स प्लांट। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अंडर वाटर प्लांट जो कि पूरी तरीके से वाटर के अंदर हों। दे आर फिक्स्ड टू द सॉइल एट द बॉटम। जो ये प्लांट होते हैं वो पूरी तरीके से वाटर के अंदर होते हैं और ये फिक्स होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि आप पॉन्ड वीड देखो, ये जो पूरा वाटर के अंदर है और ये जो नीचे सॉइल है, नीचे जो मिट्टी है उससे जुड़ा हुआ है। ये जो है वो तेज बहाव जो होता है वाटर का उसको भी सह पाते हैं। दे डू नॉट हैव स्टोमेटा, दे ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। इनमें कोई भी स्टोमेटा यानी छोटे छोटे छेद जो कि लीव्स में पाए जाते हैं। इन ये जो प्लांट्स हैं जिन्हें हम समर्स प्लांट बोलते हैं, जो अंडर वाटर होते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं, इनमें स्टोमेटा नहीं होता है। तो ये ब्रीथ कैसे करते हैं? ये ब्रीथ अपनी बॉडी सरफेस से, बॉडी से करते हैं। दे हैव स्मॉल और नैरो लीव्स। इनकी जो लीव्स हैं, इनकी जो पत्तियां हैं वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। और दीज लीव्स मूव अलोंग विथ वाटर करेंट्स एंड डू नॉट ब्रीक। जो इनकी लीव्स होती हैं वो पानी के बहाव के साथ हिलती रहती हैं, पानी के बहाव के साथ हिलती रहती हैं और कभी टूटती नहीं है। एग्जाम्पल्स टैप ग्रास, ये देखो टैप ग्रास की फ़ोटो बनी है यहाँ पे। पॉन्ड वीट, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम समर्स्ड प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? टैप ग्रास, पॉन्ड वीट, वैली स्नेरिया, इनको हम क्या बोलते हैं? समर्स्ड प्लांट बोलते हैं, जो कि कम्प्लीटली पूरी तरीके से पानी के अंदर पाए जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? समर्स प्लांट। समर्स प्लांट कौन से प्लांट होते हैं? जो कि पूरी तरीके से वाटर के अंदर होते हैं, पर जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं वो वाटर पर तैरते रहते हैं। दीज प्लांट्स फ्लोट फ्रीली ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर। ये जो है वो वाटर की, पानी की जो सतह है उस पर तैरते रहते हैं। देयर स्टेम इज रिड्यूस्ड एंड रूट्स आर पुअरली डेवलप्ड। इनकी जो स्टेम है, इनका जो तना है वो बहुत ही छोटा होता है, उनका रिड्यूस हो जाता है तना। देयर लीव्स हैव अ थिन वैक्स कोटिंग सो डैट वाटर मे नॉट वेट द सरफेस एंड डू नॉट ब्लॉक द स्टोमेटा। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है कि जो प्लांट पानी पर तैरते हैं उनकी जो लीव्स हैं उस पर एक थिन वैक्स कोटिंग होती है, चिकनापन होता है, ताकि वाटर उनकी लीव्स पर रह ना जाए। अगर उनकी वाटर उनकी लीव्स पर रह गया तो वो जो ब्लॉक हैं, छोटे छोटे छेद हैं, उनको ब्लॉक कर देगा, उनको रोक देगा। अगर वो उनको रोक देगा तो फिर वो सांस नहीं ले पाएंगे, इसलिए इन पर एक चिकनी लेयर होती है ताकि इनके स्टोमेटा ब्लॉक ना हो। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं डकवीड, पिस्टिया, वाटर हाइनेथ, वॉल्फिया। ये देखो डकवीड, पिस्टिया और वाटर हाइनेथ, ये तीन इसके एग्जाम्पल्स हैं। किसके? फ्लोटिंग प्लांट्स के। फ्लोटिंग प्लांट्स यानी वो प्लांट जो कि पानी की सतह पर, पानी की सरफेस पर तैरते होते हैं, उन्हें हम फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं। हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ ख़त्म कर लिया है। इस चैप्टर में हमने दो प्लांट्स के बारे में पढ़ा, कौन कौन से? टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल यानी जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं, उन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लांट बोलते हैं। और एक्वाटिक कौन से? एक्वाटिक जो कि पानी में पाए जाते हैं, उन्हें हम एक्वाटिक प्लांट्स बोलते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आप लोग इसकी एक बार रीडिंग करेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।